Morning class, let's continue our topic factorization of polynomial. And yesterday हमने up to question number 15 तक question कराए दिए थे. उसमें 15 में problem आ रही है तो वो करा रहे. 15, 16, 17 same ही है C. तो mostly ये क्योंकि आपके exam में एक factor दिया होगा. So first decide कि वो किस method पर apply होगा. तो आपको सिखाया गया या तो common method लगता है या identity लगेगी और या वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 3 टर्म्स होने चाहिए. ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई होता है. आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी मैनी आइडेंटिटी है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो अप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू सी. एंड नेक्स्ट है आपका कॉमन. कॉमन में इवन टर्म्स होने चाहिए. ओके, सी क्वेश्चन क्या कह रहा है. सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो नॉइड वेरिएबल आइडेंटिटी. यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है. क्योंकि देखिए ए स्क्वायर इसमें अगर हम कॉमन भी करेंगे तो a माइनस वन आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नाउ a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी ये वैल्यू किसकी हो गई. इसकी आइडेंटिटी लग गई है. ओके, नेक्स्ट इन बोथ में समथिंग कॉमन. व्हाट. यस, माइनस कॉमन. बट इनके साथ में कुछ नहीं है तो वन तो अंडरस्टूड है सबके साथ में होता है. तो माइनस वन कॉमन. सो माइनस वन कॉमन किया तो क्या आ गया ए प्लस बी. ओके, तो नाउ वन टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया. अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है. यस, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी. सो ए प्लस बी कॉमन. ये एक और मेथड से हो सकता है. ओके, आप कॉमन भी करेंगे तब भी बन जाए, मे भी बन जाएगा माइनस वन. ये आपके फैक्टर हो गए. ओके, एंड आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हुई है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो आप मेंशन करेंगे ब्रैकेट में, कंपलसरी है. सेकंड पर आते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो अगर हम बनाएं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बनेगा. बट यहाँ पर ए और बी है ही नहीं. इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है. अब एक और बात देखते हैं. आइडेंटिटी आपने एक और लर्न करी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. यस और नो. तो हम देख रहे हैं कि टू ए बी का टर्म्स आ रहा है कहीं पर. सी ये आ रहा है. अरे इसमें बी और सी है. इट मीन्स अगर बी और सी प्लस के हो देन ये आइडेंटिटी बन सकती है. तो हम इन थ्री टर्म्स में से माइनस कॉमन कर रहे हैं क्योंकि अगर इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी बनेगा और यहाँ पर ए और बी है नहीं. इट मीन्स ये रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी. तो हम आगे चलेंगे. इट मीन्स ए स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस कॉमन किया थ्री टर्म्स में से क्योंकि स्क्वायर के साथ में पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. ओके, तो बी स्क्वायर माइनस टू बी सी और माइनस कॉमन करने पर प्लस का सी स्क्वायर. अब आप देख रहे हैं कि वरना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी किसकी आइडेंटिटी बन गई. बी एक स्क्वायर जिसमें लिखा हुआ है वो लिखो, बी दूसरा क्या लिखा हुआ है सी, बीच में माइनस है माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर. ओके, तो नाउ अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया फिर से. ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो ब्रैकेट का यूज किया करें. सो सॉल्व किया ए प्लस बी माइनस सी, माइनस की मल्टीप्लाई करी ए माइनस बी प्लस सी. आइडेंटिटी आप इन फ्रंट ऑफ क्वेश्चन लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं. सेम वे कंडीशन. तो क्या सिखाया कि अगर आपने इसमें से फोर कॉमन किया तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बट बी आगे है ही नहीं. इट मीन्स हमें थ्री टर्म्स को लेना पड़ेगा. ओके, सी अब देखते हैं. तो कैसे सिखाया था, कैसे सीखते हैं कि थ्री टर्म्स इसमें आएंगे. टू ए बी का टर्म्स देखा करें. टू ए बी के टर्म्स से फोर ए आ रहा है. तो फोर ए आ रहा है तो एक तो ए है, कहाँ है, ये है ए. ओके, एक फोर ए हो गया. थर्ड टर्म कौन सा रह गया, बी नहीं आ रहा तो इसको सबसे लास्ट में रख देंगे और एक ये रह गया. इन थ्री टर्म्स को एक साथ देखेंगे. इट मीन्स क्या जाएगा, फोर ए स्क्वायर पहले स्क्वायर वाले प्लस वन प्लस फोर ए माइनस
फोर बी स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं b स्क्वायर एंड प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या होता है 2 इंटू ए, देखो 2a ये अपने आप बन जाता है, इंटू b देखो 2 टू जा 4a बन गया 4a माइनस 4b स्क्वायर। अब ये 3 टर्म्स मिलके क्या बना, a प्लस 2ab प्लस का है तो किसका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी कैसे बनाते हैं, प्रॉब्लम होती है उसे ध्यान से देखिए। सिर्फ स्क्वायर देखिए कौन है, क्या है स्क्वायर में, एक 2a लिखा है, दूसरा स्क्वायर में क्या लिखा है 1 लिखा है, और 2ab क्या आ गया साइन किसका प्लस का, प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4b को राइट कर सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। सो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट्स वाई 2a माइनस बी एंड a प्लस बी, ब्रैकेट हटा दे रहे, ये आपके आंसर हो गए। हैव अ लुक और आई एंट्री लिखना कंपलसरी है। गुड मॉर्निंग क्लास, सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। सी नाउ 3 कॉमन करते हैं, ओके हैव अ लुक, क्वेश्चन नोट कर रही, ओके नाउ सी अगेन ए स्क्वायर ए बन जाएगा बट इसमें 3 कॉमन नहीं है, 3 3 जा 9, 3 कॉमन कर रहे पहले हम, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, तो कॉमन में हट जाएगा पहले तो, ठीक है, क्योंकि ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा था इसलिए 3 को कॉमन किया गया। नाउ अब देखिए 36 किसी का होल स्क्वायर बन गया, यस सी 6 ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब अगेन आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, 6 ए प्लस बी माइनस सी, ब्रैकेट में लिखा करें क्योंकि 2 टर्म्स है, 6 ए माइनस बी माइनस सी, 3 आउटसाइड चलता रहेगा तो 6 से ब्रैकेट ओपन कर दें, सो व्हाट वैल्यू 6 ए माइनस बी प्लस, दिस इज आवर आंसर। ओके तो पहले होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने 3 को कॉमन किया, सेम पे ए प्लस बी का होल क्यूब। अब आपको लग रहा होगा कि होल क्यूब की आइडेंटिटी कौन है, नो सी ए प्लस बी होल क्यूब एज इट इज, सी बोथ में समथिंग कॉमन, यस जिसका कोई नहीं होता गॉड सिंगल वन, इट मीन्स वन कॉमन, वन कॉमन किया माइनस का साइन कॉमन है तो इनसाइड के ऑल साइन क्या हो जाएंगे प्लस के, सी ए प्लस बी बोथ में क्या है कॉमन, ओके तो नाउ ए प्लस बी कॉमन देन आफ्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस वन, ओके नाउ ओपन दिस ब्रैकेट ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। अब ये कोई आइडेंटिटी बनेगी, नो ओपन नहीं करना है, अगेन आइडेंटिटी अप्लाई हो गई है। सी 1 को लिख सकते हैं हम क्या 1 का स्क्वायर, ऐसा लो नाउ अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी व्हाट a प्लस बी a प्लस बी, बी क्या हो गया 1 एंड a a मीन्स a प्लस बी माइनस 1, ये हमारे फैक्टर हो गए। ओके नेक्स्ट इज सी स्क्वायर देखिए a स्क्वायर है b स्क्वायर y स्क्वायर है 2xy, तो किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, यस दिस इज x प्लस y का होल स्क्वायर, एक्स देखो स्क्वायर वाई देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों मल्टीप्लाई 2xy, सी ये भी स्क्वायर बन जाएगा बट स्क्वायर के साथ में क्या नहीं होता है माइनस नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 टर्म्स में से, यस माइनस को कॉमन, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस का जाएगा प्लस बी स्क्वायर,
नाउ दिस इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड यू नो इट वेरी वेल कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है. ए ए एक्स प्लस वाई प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी एंड एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी. सो सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी. ओके सी तो नाउ सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए का आइडेंटिटी अप्लाई हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी. आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है, मैंने वन में मेंशन कर दिया है तो ये कंपलसरी है. नोट डाउन. ओके क्लास नाउ यू हैव टू कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 27. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.